हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन ईवीएस क्लास। टुडे वी विल डू चैप्टर 14 डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब खाना, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी को कैसे काम आता है और खाने का हमारे जब हम खा लेते हैं उसके बाद हमारी बॉडी में क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इस चैप्टर में हम फूड डाइजेशन, खाने को पचाने के बारे में पढ़ेंगे। चूइंग ऑफ फूड, चूइंग मतलब चबाना, मतलब जब हम खाना खाते हैं उसको मुंह में रखते हैं और हम उसको अपने टीथ यूज़ करके और टीथ और टंग की हेल्प से, टंग से उसमें सलाइवा मिक्स होता है मतलब वो गीला गीला हो जाता है और टीथ जो होते हैं वो उसको चबाते हैं, सॉफ्ट करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, है ना। तो चूइंग ऑफ फूड, फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज चूइंग ऑफ फूड। ड्यूरिंग द मिड डे मील इन द स्कूल, रजत वॉज स्वेलविंग फूड वेरी फास्ट विदाउट चूइंग इट, वेयर एज नेहल वॉज ईटिंग द फूड स्लोली बाय चूइंग इट। मिड डे मील के समय, मिड डे मील का मतलब जैसे आप लोगों का इंटरवल होता है वैसे जब स्कूल की तरफ से ही खाना मिलता है तो उसको बोला जाता है मिड डे मील, है ना। तो आपके स्कूल में तो नहीं मिलता है लेकिन जब वो लोग जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें स्कूल की तरफ से ही खाना मिलता है उसको बोलते हैं मिड डे मील। तो मिड डे मील में जब रजत को खाना मिला तो उस तो क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी खाना स्वेलो कर रहा था, निगल रहा था, जैसे हम दवाई खाते हैं ना और मुँह में रखी और जल्दी से अंदर कर लेते हैं, उसको हम च्यू नहीं करते, चबाते नहीं हैं, वैसे ही वो खाने को भी जल्दी जल्दी स्वेलो कर रहा था, निकल रहा था बिना चबाए हुए, जबकि नेहल धीरे धीरे खाना खा रही थी उसको चबाकर। नेहा इंटरप्टेड रजत एंड टोल्ड हिम टू ईट द फूड बाय च्यूइंग इट। नेहा ने इंटरप्ट किया मतलब उसको रोका, क्योंकि वो जल्दी जल्दी खाना निकल निकल के खा रहा था, किसको, रजत को, कि खाने को चबा के खाओ। When Rajat asked the reason for this, then Nehal said that yesterday when I was eating a boiled potato, my mother told me to chew it and eat slowly, and then you will like it. उसने बोला, नेहल ने, कि जब कल मैं घर पे boiled potato खा रही थी, उबला हुआ आलू खा रही थी, तो मम्मी ने बोला इसको धीरे धीरे chew करके खाओ। तो जब मैंने उसको धीरे धीरे chew करके खाया तो वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि धीरे धीरे वो मुझे मीठा लगने लग गया। When I ate potato by chewing it properly, it tastes sweeter and easily passed through my throat. Throat मतलब गला। ये जो पार्ट है ये ओएसोफेगस, इससे खाना, यहाँ पे आप माउथ में आप फूड को च्यू करते हो, चबाते हो, और यहाँ से खाना आपके स्टमक में जाता है, इसको बोलते हैं ओएसोफेगस। तो खाना चबाने के बाद जब स्वेल, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है तो वो हमें स्वीट लगने लगता है, मीठा लगने लगता है, और फिर वो हमारे थ्रोट से जल्दी से स्वेलो होके अंदर चला जाता है स्टमक में। द टीचर स्टैंडिंग नियर टू दैम टोल्ड दैट व्हेन वी च्यू द फूड स्लोली, सलाइवा मिक्सेस विद द फूड and makes the food smooth and lubricated like a paste. अब उन बच्चों के पास में जो उनकी मैम खड़ी थी, उन्होंने उनको बोला कि जब खाना चबा के खाया जाता है धीरे धीरे तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, जो आपकी सलाइवा मतलब जो आपके मुंह में, जिसको आप बोलते हैं ना थूक, वो सलाइवा मिक्स हो जाता है और फूड जो होता है उससे स्मूथ हो जाता है और पेस्ट की तरह बन जाता है। तो उससे आपकी जो ये ओएसोफेगस है उससे खाना स्टमक में इजीली चला जाता है। द सलाइवा सीक्रेटेड इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू ग्लूकोज। और हम जब कोई चीज़ खाते हैं वो जब हम उसको अच्छी तरह च्यू करते हैं तो वो हमें मीठी क्यों लगने लग जाती है, क्योंकि हमारे सलाइवा में स्टार्च होता है जो खाने, द सलाइवा सीक्रेटेड इन आर माउथ, जो सलाइवा होता है हमारे मुंह में वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फूड के जो ग्लूकोज फूड
में जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवा फूड के स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ड्यू टू दिस ग्लूकोज द फूड टेस्ट स्वीट, इसलिए वो ग्लूकोज की वजह से हमें जो फूड होता है वो मीठा लगने लगता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ओनली, और जब हम खाना मुंह में रखते हैं तभी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? जब हम मुंह में खाना रखते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है, वो भी डाइजेशन का, खाने को डाइजेस्ट होने का, खाने को पचाने का एक हिस्सा है। स्टूडेंट्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका ये फर्स्ट पार्ट माउथ हो गया। फिर ये अंदर ये ऑइसोफेगस है जिसको हम खाने की नली बोलते हैं, और ये स्टमक है, और ये हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट इंटेस्टाइन है। अभी आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड में बस इतना ही पढ़ना है, माउथ के बाद ऑइसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। इनिशियली द फूड इन द माउथ इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, जब मुंह में खाना जाता है तो दांतों की मदद से उसको चबाया जाता है, च्यू किया जाता है, चबाया जाता है, एंड देन थ्रो द ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस मतलब फूड पाइप, जो अभी आपको पीछे डायग्राम में दिखाई थी। ऑइसोफेगस से इट रीचेस द स्टमक फ्रॉम वेयर इट गोज टू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑइसोफेगस से स्टमक में जाता है खाना, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले माउथ में खाना गया, वहाँ पे च्यू किया टीथ की हेल्प से, उसके बाद ऑइसोफेगस की हेल्प से स्टमक में गया, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन द फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। और स्टमक में और इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होता है किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। जैसे हमारे माउथ में भी जूस है सलाइवा, उसी तरीके से स्टमक में और इंटेस्टाइन में भी जूसेस होते हैं जिसकी हेल्प से खाना डाइजेस्ट होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट इन द रेक्टम विद द हेल्प ऑफ विच इज नेक्स्ट एक्सक्रीटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जो हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हम जब हमें बहुत वीकनेस लग रही है तो जल्दी से ग्लूकोज अगर हम वाटर में मिक्स करके पी लेते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है। तो जो भी चीज़ हमें जल्दी से हमें मिल जाती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंट, जल्दी। तो इंस्टेंट एनर्जी हमें किससे मिल जाती है? ग्लूकोज से। When we eat food, then after 4-5 hours we again start feeling hungry. जब हम खाना खा लेते हैं उसके 4-5 hours के बाद हमें वापस भूख लगने लग जाती है। क्यों? Because the food eaten by us digest. क्योंकि हमने जो खाना खाया होता है वो digest हो जाता है। तो हमने जो खाना खाया है वो जब digest हो जाएगा तो हमें भूख लगने लग जाएगी, और अगर digest नहीं होगा तो हमें भूख नहीं लगेगी। अगर हमें भूख नहीं लग रही, इसका मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ने अच्छे से काम नहीं किया जल्दी 4-5 आवर्स में जो उसको डाइजेशन कंप्लीट करना था, इसलिए हमें भूख नहीं लगी। फूड गिव्स अस एनर्जी, और फूड हम क्यों खाते हैं? क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। इफ़ वी डू नॉट ईट फॉर द होल डे वी फील वीक। अगर हम बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक कुछ भी ना खाएं तो हमें थोड़ी वीकनेस लगने लग जाती है। जैसे फास्ट करते हैं आप लोग, रोज़े करते हो, फास्ट किए जाते हैं, उसमें अगर हम पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं तो हमें वीकनेस लगने लग जाती है। वंस रजत वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड ही वेंट टू द हॉस्पिटल। देयर ही सॉ अ सिक पर्सन लाइंग डाउन ऑन द बेड विद अ ट्यूब अटैच्ड इन हिज हैंड। रजत जब बीमार था, उसको ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो हॉस्पिटल गया, बीमार था, तो उसने देखा एक बीमार जना पलंग पे लेटा हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है, और उसके हाथ में एक ट्यूब लगी हुई है। देयर वॉज अ प्लास्टिक बॉटल विद सम वाटर लाइक सब्सटेंस नियर हिम, और उसके पास में एक पानी जैसा सब्सटेंस
मतलब पानी जैसी चीज़ बॉटल में लगी हुई है। दिस बॉटल वॉज कनेक्टेड टू अ ट्यूब, और वो बॉटल जो थी वो ट्यूब से लगी हुई थी। आफ्टर सीइंग ऑल दिस रजत आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट इज दिस, ये सब देखने के बाद रजत ने डॉक्टर से पूछा कि ये क्या है। बच्चों आप सबको, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि इस तरीके की जो प्रोसेस हो रही होती है वो क्या होती है। आपको पता है कि वो उस पर्सन को ग्लूकोज दिया जा रहा है बॉडी में डायरेक्ट, है ना। डॉक्टर टोल्ड हिम दैट दिस पर्सन हैज़ बिकम वेरी वीक एंड टू प्रोवाइड हिम इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज इज बीइंग गिवन टू हिम। फिर डॉक्टर ने उसको बताया कि ये जो जना है, ये जो पर्सन है, ये बीमार हो गया है और बहुत वीक हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है, इसलिए इसको इंस्टेंट एनर्जी दी जा रही है ग्लूकोज की मदद से। तो हमें जब भी जल्दी से एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को, हमें देनी है और हमें अपनी वीकनेस दूर करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, ग्लूकोज वाटर में मिक्स करके पी लेना चाहिए, उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन।